तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा बीसीसी पैनल, बीसीसी पैनल में क्या क्या आता है, वो उसको कैसे ऑपरेटिंग करते हैं, मैं आज आपको ये वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए अपना बीसीसीए का एचडी पैनल, ये इसको बोलते हैं पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म है पावर कंट्रोल सेंटर है। ये आपने इधर पावर को कंट्रोल करते हैं। देखिए जो ट्रांसफर से आउटपुट जो निकलता है, जो सप्लाई डायरेक्ट पीसीसी में ही आता है। पीसीसी में आपने कंट्रोलिंग करते हैं। देखिए कैसे कंट्रोलिंग करते हैं, थोड़ा कैमरा नजदीक लाओ। देखिए इसमें दो बेकर लगा हुआ, एक ये गियर सर्किट बेकर इसको बोलते हैं दोनों, एक ट्रांसफर का बेकर है, एक डीजी का बेकर है। ये क्या है, ट्रांसफर से आउटपुट जो निकलता है सप्लाई डायरेक्ट पीसीसी में इधर आता है। इसमें दोनों, ये दोनों इंटरलॉक होता है, ये बेकर और ये बेकर दोनों इंटरलॉक होता है। ये ट्रांसफर का बेकर है, ये डीजी का बेकर है। देखिए उसके बाद देखिए ये दोनों को इंटरलॉक होता है। उसके बाद ये बसबार चैम्बर है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसमें ये बसबार है। बसबार थ्रू में डायरेक्ट ये जो इधर देखिए एक दो तीन चार और इधर देखिए पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये टोटल 12 फीडर है। ये फीडर क्या है ना, फीडर आपने को इसमें कोई भी एमसीसी हो दूसरा एमसीसी तक इसमें सप्लाई भेजते हैं उसको, इसको बोलते हैं एसएफयू। उसका फुल फॉर्म है स्विच फ्यूज यूनिट, इसको बोलते हैं स्विच फ्यूज यूनिट। ये एक स्विच जैसा क्रिएट करता है, काम करता है ना। चलिए पीछे चलते हैं, उसको ये ब्रेकर बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए ट्रांसफर का ब्रेकर और डीजी का ब्रेकर, ये दोनों इंटरलॉक होता है। जैसे आपने फॉरवर्ड रिवर्स चैनल में जैसे इंटरलॉक करते एक चालू होगा तो दूसरा चालू नहीं होगा, ऐसा ही ये सिचुएशन भी ऐसा ही है। ट्रांसफर का ब्रेकर चालू होगा तो डीजी का ब्रेकर चालू नहीं होगा। यदि सपोज सेम टाइम में यदि दोनों एक साथ में चालू हो जाएगा वो भागा हो जाएगा, ये अपना बहुत नुकसान होगा, बहुत बड़ा फॉल्ट होगा। इसीलिए अपने दोनों को इंटरलॉक करते हैं, इसलिए वो कोई भी एक चालू होगा तो दूसरा वो टाइम में चालू नहीं होगा। जब उसको बंद करना है तब उसके बाद दूसरा चालू होगा। अभी देखिए ऊपर देखिए, ऊपर देखिए आपको ये इंडिकेटर बताता है आर वाई पी, इधर थ्री फेज का बताता है। ये है एनर्जी मीटर है, ये नेपच्यून कंपनी का एनर्जी मीटर है। ये वाला देखिए एनर्जी मीटर है, और इसमें अपने को वोल्टेज करंट पावर फैक्टर अपने को इधर देखना है। उसके बाद ये जो देखिए ये सब वो ये स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेटर अभी बताता है, ये अभी चालू है इसलिए स्प्रिंग चार्ज बताता है। ये ओम का इंडिकेटर है, उसके बाद ये ऑफ का इंडिकेटर है, ये रेडी है, और ये ट्रिपिंग का इंडिकेटर है, और ये देखिए ये वाला स्विच है, इसको बोलते हैं पीएनसी हिसाब से। अपने एसओपी को सिलेक्ट करते हैं कितना लोड है इसी हिसाब से।